24 अप्रैल 2022 को मैंने पचमणि का एपिसोड 1 अपलोड किया, लेकिन फिर केदारनाथ जी के कपाट खुले जिससे आई स्टार्टेड अपलोडिंग केदारनाथ सीरीज और इस तरह से पचमणि सीरीज पे ब्रेक लग गया। लाइफ में शाकाहारी जानवर बहुत देखे हैं, लेकिन इस बार मुझे देखने थे जंगल के मांसाहारी जानवर, टाइगर, लायन, लेपर्ड। इसलिए आशिक भाई और मैं जंगल सफारी के लिए निकले और यहाँ पर मेरा बहुत मन है कि टाइगर से मुलाकात हो जाए। देखना है टाइगर तो सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर तो मिलेगा टाइगर। टाइगर कहाँ हो, टाइगर आ जाओ। लेकिन उस दिन हमें वहाँ कोई जानवर नहीं मिला। शायद उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी। ये पूरा जो एरिया है पूरा जंगल वाला एरिया है, और आशिक भाई का कहना है कि वो कुछ जानवर की स्मेल सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा डर है यहाँ एरिया में, क्योंकि टाइगर का तो एरिया है। पचमणि के जिस होटल पे मैं रुका था उसके बगल में है बेटा बाबाजी, और हर नाइट वहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता है। मतलब हर रात वहाँ गाना और बजाना, मतलब म्यूजिक चलता है। और आज की कहानी उसके दूसरे दिन की है। सुबह 6 बजे आशिक भाई अपनी गाड़ी लेकर के मेरे होटल पहुंच गए, और अब हम निकले डे टू में कुछ न्यू लोकेशंस को एक्सप्लोर करने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पंचमणि का सेकंड डे है और हम कुछ नई लोकेशंस पे जा रहे हैं। तो कल का क्या हुआ, कल तो हम थोड़ा लेट से हुए थे, कुछ नाइट फंक्शंस में चला गया था मैं। तो उसके बाद सुबह उठते उठते 6 बज गए थे। उसके बाद हमारे आशिक भैया आए और अब हम जा रहे कुछ नई लोकेशन की ओर को। तो आशिक भैया, यहाँ के मैं कल भी मैंने ये बात नोटिस करी और आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो पहाड़ है ये थोड़े डिफरेंट है, मतलब कुछ अलग हटके दिख रहे हैं। हमारे वहाँ भी ऐसे नहीं होते उत्तराखंड में। तो क्या है, ये जो पचमणि के जो पहाड़ हैं और आपके उत्तराखंड के, तो ये आपके जो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो हैं रेतीले वाले, तो जो बरसात होती है तो वो खिसक जाता है वहाँ। और जो पचमणि का जो पहाड़ है ये सैंडस्टोन वाला पहाड़ है। सैंडस्टोन तो ये गर्मी और ठंड में है ना, जो ये बरसात में पानी पूरा सोखता है ये पहाड़। अच्छा। और ठंड और गर्मी में ये पानी छोड़ता है, तो ये पहाड़ है ना जो सैंडस्टोन पहाड़ कहा जाता है इसको। जैसे ये सतपुड़ा इतना बड़ा नेशनल पार्क है, यहाँ कुछ जानवर भी दिखते हैं, शेर वगैरह, हाथी वगैरह? जानवर वगैरह तो सब है यहाँ पे, लेकिन यार मैं अभी बहुत देर तक ऊपर पीछे बैठा रहा। ये जो एरिया है यहाँ हमारे यहाँ का 90 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है ये, तो ये लक के ऊपर रहता है कि अपना निकलना हो और जानवर का निकलना हो। अच्छा। ये घिरा हुआ एरिया नहीं है, जैसे फॉरेस्ट घेर देती है 20-30 किलोमीटर की रेंज में, वो फिर जाके आपको जानवर दिखाया जाता है। तो ये घिरा हुआ एरिया नहीं है, यहाँ जितने भी जो जंगलों में हर जानवर मिलेगा, लेकिन ये है कि लक के ऊपर रहता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले पीछे बैठा हुआ था ये देखने के लिए कुछ जानवर दिखते हैं, लेकिन मुझे एक जानवर भी दिखाई दिया। तो वही है जैसा आशिक भाई कह रहे हैं कि ये पूरा डिपेंड करता है लक के ऊपर। फिलहाल हमें आगे से बस नॉर्मल जानवर ही मिल रहे, जैसे बंदर हो गया, जैसे गाय हो गई, फिलहाल के लिए यही दिख रहे हैं। घर पे और होटल पे बैठ के हमने बहुत बार खाना खाया, लेकिन क्या कभी आपने जंगल पे बैठ के किसी वाटरफॉल को एंजॉय करते हुए खाना खाया है? ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आता है। इसलिए हमने लंच साई फैमिली रेस्टोरेंट से पैक करवाया। अनहोनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मंदिर के बगल में जो कुंड है उसमें हमेशा गर्म पानी निकलता है, और वो पानी इतना गर्म है कि आप उसमें चावल पका सकते हो। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ अनहोनी पे। यहाँ की एक बहुत फेमस चीज़ है कि यहाँ का जो कुंड है उसके अंदर गर्म पानी निकलता है, मतलब पृथ्वी के नीचे से लगातार गर्म पानी निकलता जा रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। तो भैया यहाँ की क्या कहानी है कि ऐसा गर्म पानी क्यों निकलता है यहाँ पे? भैया वैज्ञानिक लोग भी हार मान गए, इसकी खोज कर करके कुछ पता नहीं चला, और वो तो भगवान की महिमा है, प्रकृति के देन है, इसकी कोई सियाणों को 3 पीढ़ी से कुछ पता नहीं। बहुत पहले से ही निकल रहा है? बहुत पहले से, हम पैदा नहीं हुए थे अभी से निकल रहा है, ये इसकी महिमा है। इसके लिए अच्छे अच्छे वैज्ञानिक यहाँ 7 साल तंबू तान के रहे, भू सर्वेक्षण वाले भारत सरकार वाले, उन्हें भी बोरिंग किए, 7 वर्ष तक यहाँ बोरिंग करके इसका
जांच किए, परीक्षण किए, उसका कोई पता नहीं चला यहाँ क्या चीज है। तो गर्म पानी क्यों निकलता है इसका, ये एक बहुत बड़ा राज है जो कई सालों से चला हुआ आ रहा है और अभी भी वो एक राज ही है। और शायद इसका जवाब आगे कोई निकाल पाए या शायद कोई ना जान पाए कि ये क्यों आखिर ऐसा होता है। लगातार अभी मैंने इसमें हाथ डाला गर्म पानी में, तो वो सच में बहुत गर्म है। मतलब जितना हम पानी को गर्म करते हैं गैस पे, चावल भी पक जाते, चावल भी पकते हैं इस पानी पे, हम चावल ही पका सकते हैं। तो सोचिए इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पानी में हाथ डालते ही मैंने हाथ बाहर निकाला, इतना गर्म पानी है। तो क्या ये पानी पीने लायक है, हम इसको अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं? साफ साफ है पीने लायक। हाँ है ना, एक मैन कुंडी उसका पी सकते हैं। उससे पीने से अपने शरीर के अंदर कीटाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो रोग रहते हैं अपने अंदर, रोग चर्म रोग वगैरह पेट के अंदर के रोग, वो नष्ट हो जाते हैं। और कुछ बाहर से वैज्ञानिक लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ इसमें गंधक की मात्रा है, अभ्रक की मात्रा है। पानी को बोतल में भर के ले आ सकते हैं? हाँ ले जा सकते हैं, उसको घर पर भी पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, घर वालों को पिला सकते हैं। खुद भी पियो, घर वालों को भी पिलाओ, सबको पिलाओ। हाँ सो मैंने इतना पानी भर लिया है, एक पूरा बोतल, माँ का आशीर्वाद। और बहुत गर्म पानी था, भरते समय मैंने बहुत बार पानी से हाथ बाहर निकाला क्योंकि मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा था, इतना गर्म पानी है। और अभी फ़िलहाल मेरा हाथ लाल, उंगलियाँ लाल हो चुकी है क्योंकि बहुत बार उंगलियाँ डिप करी है पानी के अंदर। सो हाँ, इस बोतल को मैं घर ले आने वाला हूँ, नहीं पीऊँगा, घर वालों को भी पिलाऊँगा। भाई साहब आपने देखा है कि कुंड? हाँ कुंड वहाँ पर दो तरह के थे, एक तो छोटा कुंड था जिसमें अंदर जाना मना था, ताला लगा हुआ था, वो पानी बहुत गर्म था, उसमें बहुत सारे डम्पू ऊपर निकल रहे थे। वहीं पर से भी बाहर को दो अलग तरह के कुंड थे जिसमें एक लोग नहा रहे थे, नहाने वाला टेम्परेचर थोड़ा डाउन था, वो भी गर्म लेकिन थोड़ा डाउन था उसका। उसके बगल में जहाँ पर पानी भरने का था उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। वहाँ से मैंने बोतल भरी और हाथ, जब मैंने उसमें बोतल भरने के लिए पानी नीचे डाला, हाथ नीचे किया तो हाथ बार बार जल जा रहा था, इतना वो गर्म पानी है वहाँ पर का। अनहोनी से निकलते समय दिन के 12 बज चुके थे। अगर आप सुबह का नाश्ता मिस कर दो, सुबह का खाना मिस कर दो, तो दिन के 12 बजे तक बहुत तेज भूख लगने लगती है। और अब हम जाए थे सद्धारा वाटरफॉल, क्योंकि हम अपने प्लान्स में एकदम क्लियर थे कि खाना तो सद्धारा वाटरफॉल पे ही खाएंगे। आईडी देना। सातधारा पे तो वहाँ थोड़ा खाना खाएंगे और कुछ प्लानिंग है कि वहाँ हम नहाएंगे और साथ में ड्रोन भी है, तो देखते हैं अगर ड्रोन शॉट्स वहाँ हम ले सकते हैं तो लेट्स सी। वो है सातधारा, वो हम वहाँ जा रहे हैं नहाने के लिए और खाना भी खाएंगे उसके बाद, तो फिलहाल नहा के आते हैं।
रुको, इससे पहले कि आप क्लाइमेक्स देखो, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर करना, इससे ये वीडियो YouTube के एल्गोरिथम में आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइफ में पहली बार स्विमिंग का एक्सपीरियंस किया है ऐसे ओपन में, तो हो नहीं रही थी अच्छे से, आती नहीं है स्विमिंग, हाथ पांव मार रहा था तो कभी डूब रहा था कभी निकल रहा था। ये वो लोकेशन है जहाँ अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी, इस लोकेशन का नाम है सात तारा। और जो अभी ये यहाँ पत्थर में बैठा हूँ मैं, ये बहुत बहुत गर्म हो रहा है, पांव जल रहे हैं। सो आफ्टर टेकिंग अ कूल बाथ इन द स्विमिंग पूल हम जा रहे हैं अपना लंच करने, एंड सो या दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग एंड आई विल सी यू इन द न्यू वन। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।